बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि यूपी में न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में इस बार कांग्रेस ने अपने बहुत कम प्रत्याशी 268 अभी तक सामने आए हैं और यूपी में तो 80 सीटों के मुकाबले केवल 17 सीट हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा मान के चल रही है कांग्रेस की आप कमजोर चल रहे हैं या यूपी में कमजोर है कांग्रेस इसलिए सपा या आपके गठबंधन बाकी सहयोगी पार्टी सीट नहीं देना चाह रही है? नहीं, हमने डिसीजन लिया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और हमने सीट शेयरिंग की है और ओपन माइंडेड तरीके से दिल खोल के हमने सीट शेयरिंग की है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और ओपन माइंडेड तरीके से हम चुनाव लड़ें, इसीलिए हमने स्पेस हम अपने पार्टनर्स को दी है, पर इसका कोई कमजोरी का मतलब नहीं है। पीटीआई से अनवर। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है कि पिछले बार जो आप दोनों लोगों का गठबंधन था वो सफल नहीं हो सका उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर आप लोग साथ आए हैं और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि ये दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म है जो इस बार भी फ्लॉप होगी, तो आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस गठबंधन से? उत्तर प्रदेश में कितनी सफलता मिलेगी और कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार आप लोगों को? देखिए, मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। दैनिक जागरण से आदित्य त्रिपाठी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति है? सॉरी, क्या? उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति, आप दोनों लोगों की? उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल पे मैं आपको अपना हमारा फाउंडेशन बता देता हूं और वही आइडियाज हम उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, और जो बड़े बड़े अरबपति हैं, अदानी जी हैं, उनका पूरा सपोर्ट करके जो रोजगार पैदा करने का सिस्टम था उसको उन्होंने कंप्लीटली खत्म कर दिया है। तो सबसे पहला काम जो रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को मिलना चाहिए उसको एक बार फिर स्ट्रेंथन करने का है। उसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 2-3 आइडियाज दिए हैं। एक आइडिया रेवोल्यूशनरी आइडिया है, राइट टू अप्रेंटिसशिप। तो जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, पेड ट्रेनिंग होती है। तो हमने डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के सब ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहेगा उसको प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में अधिकार मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा, ट्रेनिंग होगी और 1,00,000 रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का उस युवा के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। और ये करोड़ों युवाओं के लिए हम अधिकार दे रहे हैं। इससे एक ट्रेन्ड मैन पावर तैयार होगा, प्राइवेट कंपनीज को भी इसका फायदा होगा, सरकार को भी इसका फायदा होगा और एक प्रकार से युवाओं के लिए ये एक जॉब मार्केट में एंट्री का सिस्टम हो जाएगा। दूसरी चीज, 30 लाख सरकारी रोजगार हैं जो नरेंद्र मोदी
भर नहीं रहे हैं, वो वैकेंसीज हम युवाओं को देने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात हुई है, उसके लिए हमने एक हम कानून बनाएंगे, उसको हम खत्म कर देंगे। तो ये बात हुई युवाओं की। एक और हमारा आइडिया, क्रांतिकारी आइडिया, और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा इससे। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार, हर गरीब परिवार में से हम एक महिला को चुनेंगे और उसके बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए सरकार हर महीने बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। किसानों की बात, किसान सिर्फ दो चीजें मांग रहा है, नरेंद्र मोदी से 10 साल मांगा, हमें सही दाम दिलवा दीजिए। और जैसे आपने 16,00,000 करोड़ रुपए, मतलब 24 साल का मनरेगा आपने अदानी जैसे लोगों का माफ किया, वैसा ही आप हमारा भी माफ कर दीजिए। और नरेंद्र मोदी मना करते हैं, उन पर फायरिंग करवा देते हैं, उनको डरा देते हैं। तो हमने लीगल एमएसपी की का निर्णय ले लिया है, हिंदुस्तान में पहली बार लीगली गारंटीड एमएसपी होगी और हम उनका, किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। यही मेन मुद्दे हैं चुनाव में। बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें आपको उनको, उसका जो फाउंडेशन है, दो चीजें हैं। एक कि वो शायद 10-15 साल बाद ओलंपिक गेम्स इंडिया लाएंगे और दूसरा एक या दो व्यक्तियों को वो चांद पे पहुंचा देंगे। तो ये बेसिकली चुनाव चल रहा है। शुक्रिया राहुल जी। अगले 3-4 सवाल आप कृपया अखिलेश जी से पूछेगा।